सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर बार कुल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बस वो किसी के समझ में नहीं आती है। रामायण पढ़ते हैं आप? अरे रामायण पढ़ते हैं तो पढ़िए ना, उसमें लिखा क्या है, घर बार कुल तीन चीज लड़की के पिता को देखना चाहिए, फिर लड़की के पिता को तीन चीज लौट करके घर आ जाना चाहिए। घर बार कुल देख लो, घर आ जाओ, फिर लड़की के पिता को लड़की देखनी चाहिए। ये रामायण कह रहे, ये आप मानने को तैयार नहीं है। लड़के का पिता जब तक लड़की देखता रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी। लड़की का पिता जिस दिन लड़की देखना प्रारंभ कर दे उसी दिन बात बन जाएगी। इसमें लिखा है करिय विवाह सुता अनुरूपा, बेटी के पिता को बेटी देखनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज ये तो आश्चर्य लग रहा है, बेटी का पिता बेटी कैसे देखेगा, उसने तो रोज अपनी बेटी को देखा है। रोज देखने से मतलब नहीं, जब किसी के लड़के को देखे तो फिर अपनी लड़की को देखे और अपनी आत्मा से पूछे क्या हमारी लड़की इस लड़के के योग्य है। अगर स्वयं निर्णय सही है तब दरवाजे पर दोबारा उसके जाना चाहिए। तो लड़की वाला ये देखता ही नहीं है, वो तो कह रहा है कि लड़का अच्छा मिल रहा है, किसी तरह वो एक बार हाँ कर दे, फिर लड़की का कल क्या होगा इससे उसका कोई लेना देना नहीं। अरे जीवन संबंध भविष्य बहुत बड़ा है, अगर तुम्हारी आत्मा कह रही है कि लड़का लड़की में समानता नहीं है, लड़का MSc BEd है और लड़की उसने आज तक हाई स्कूल नहीं कर पाया है और आप कह रहे हाँ कर दे, अरे हाँ कर दे तो आगे दिक्कत होगी ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल बैठना चाहिए।